क्या देख रहे हैं मूसा भी लोग? इंग्लैंड का जादू चल गया। मैंने एक आपको एक याद होगी मेरी वीडियो जो फर्स्ट टेस्ट था पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी इंग्लैंड के साथ, और प्रीव्यू मैंने दिया था कि हम टॉप ऑर्डर अगर हम आउट कर भी लेंगे तो हम मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि लोअर ऑर्डर इंग्लैंड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो मैनचेस्टर मैच में हमें देखा था, और अभी भी मुझे लगता है कि बैटिंग अगर बड़ी है तो शायद ये आज वो मुझे लगता है इंग्लैंड टीम 400 से प्लस स्कोर कर लेगी। जैक रोलिंग ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है, 171 इनिंग्स खेली है, तो कल वो देखेंगे कि 200 पे जाए। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर दिया। मैंने जैसे कहा कि मैंने फर्स्ट टेस्ट में प्रीव्यू में कहा था कि टॉप ऑर्डर आउट कर लो तो फिर हमने लो ऑर्डर भी जल्दी से जल्दी आउट कर लिया, फिर हम मैच आ सकते हो। ऐसे ही हुआ, क्योंकि अगर हमने लो ऑर्डर नहीं आउट किया और ये हुआ मैनचेस्टर मैच में भी देखा, हमने उससे भी मैच आए, अभी दिख रहा है कि ये भी हम मैच हार सके, क्योंकि डे वन में ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट पता चल गया है। क्योंकि इंग्लैंड का एक रिकॉर्ड है इंग्लैंड में कि 150 का टारगेट भी वो डिफेंड कर लेते हैं, और ये इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने किया हुआ है। सो इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रांग है, और अगर उन्होंने बैटिंग पहले की है तो पहले से आप सोच रहे हैं कि 60% तो उनके पास ही चले गए मैच जीतने के लिए। पाकिस्तान अगर अच्छी बॉलिंग करता, अगर पाकिस्तान जल्दी आज ही आउट कर लेता, इंग्लैंड को बॉल आउट कर लेता, तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन अभी ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में जा रहा है, हाथ से ये स्लिप हो रही है, निकल रहे मैच पाकिस्तान को। अब तो जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन कल के लिए, कल इंग्लैंड को जल्दी से जल्दी बॉल आउट करना है। कम अज़ कम इंग्लैंड को 370 का तो आउट करना है ना बॉल आउट, क्योंकि अगर ये 400 से ज़्यादा चले गए तो मुश्किल हो जाएगा, और फिर बैट्समैन को भी बहुत अच्छी बैटिंग दिखानी पड़ेगी, और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उनको भी स्कोर करना पड़ेगा, 400 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। जो बड़े बैट्समैन हमारे अज़हर अली है, बाबर आजम है, शानसूद ने 150 की हुई है, सो आबिद अली ने 60 किया, रिजवान ने, तो इनको चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अगर नहीं चले, इन्होंने बिग स्कोर ना किया तो पाकिस्तान ये सीरीज और मैच भी हार जाएगा। बॉलिंग बहुत ही खराब हुई, यासिर शाह को समझ नहीं आ रही, वो एक तो कभी शॉर्ट बॉल बहुत अच्छे कर रहे हैं और कभी वो बहुत ही फुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर फुल से हल्के से पीछे करें तो शायद थोड़ा सा LBW का चांस है, क्योंकि इसमें कोई स्पिन नहीं हो रही, वेरिएशन दिखा रहे हैं यासिर शाह, जो पोप को भी बोल्ड किया उन्होंने वेरिएशन से किया है। सो यही चीज़ें रखनी है, क्योंकि बैटिंग के लिए पिच थी, अब ये लक भी होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कल बैटिंग हो, क्योंकि अगर इन्हें जल्दी आउट हो जाता है तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा बैटिंग करना, और हम फिर बिग स्कोर से शायद 500 स्कोर भी कर सकते हैं। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो।